जिसमें हम आप लोगों को यहाँ पर हमारे जो है, वो टेनि, टेनिस कोच है उनके साथ हम कुछ आपको एक्सपीरियंस शेयर करेंगे तो इस वीडियो में हम आप लोगों को ये बताएंगे की अगर आपको ट्रेनिंग के लिए यूरोप में या जर्मनी में आना चाहते हैं तो क्या पॉसिबिलिटीज हैं उसके क्या एडवांटेजेस हैं तो वो सारी चीजें हम इस वीडियो में कवर करेंगे बहुत ही एक्सक्लूसिव वीडियो है सिर्फ आप लोगों के लिए बहुत टाइम से हमने इसको डिले कर रखा है पर आज हम करते हैं चलो हमारे फ्रेंड बैठे। आप लोग ऑलरेडी उन्हें जानते हो पर चलो उनके साथ वीडियो बनाते okay, दोस्तों जैसा कि सुरभि ने बोला विजय जो कि हमारा बहुत ही अच्छा दोस्त है आप लोगों ने विजय को और भी वीडियोस में देखा होगा लेकिन आपको विजय के बारे में सारी चीज़ें नहीं पता जो हम आज के वीडियो में डिस्कस करेंगे तो विजय सबसे पहले अपने आपको इंट्रोड्यूस करो तो गाइज मैं यहाँ पे ऑलमोस्ट दो साल से हूँ जूसन में लेकिन इनिशियली जर्मनी में आया था दो में और बचपन से ही मैं और मेरा छोटा भाई हम लोग टेनिस प्लेयर्स रहे हैं तो टेनिस छोड़ने के बाद एज अ प्लेयर हमारा यही एक मेन एम था कि कहीं यूरोप में जाके ट्रेनिंग करेंगे और कोचिंग करेंगे आई एम सॉरी और हम लोग सर्च कर रहे थे इंडिया से ही कि कौन से मतलब कंट्री में सेटल किया जाए तो हम लोग फिर इवेंचुअली जर्मनी हमने एक तरीके से चूज़ किया बिकॉज यहाँ पे हमारी काफ़ी फ्रेंडशिप्स थी यहाँ का सिस्टम हमें पता था क्योंकि हमने यहाँ पे ट्रेनिंग्स करी थी और उसके चलते क्योंकि हम यहाँ पे एज अ प्लेयर आए थे हम यहाँ पे एज अ फिर कोच शिफ्ट हो गए जुसन में हम लोग अभी दो साल से हैं लेकिन उससे पहले हम लोग उल्म में थे उससे कुछ साल पहले हम लोग कोलोन में थे तो ऑल टुगेदर लगभग दस साल हो गए हैं तो दैट्स बीन द जर्नी फ्राम अ प्लेयर टू द कोच शानदार अच्छा विजय एज ए इंडियन मतलब हमने बहुत ही कम ऐसे एग्जाम्पल देखे हैं अगर मैं बात करूँ बाहर जर्मनी की बात करूँ यहाँ पर जितने भी मैंने नाइन्टी नाइन परसेंट इंडियन से मिला हूँ वो लोग आईटी में है या फिर इंजीनियरिंग फील्ड में या जॉब वाले फील्ड में है जी पहली बार मैंने किसी इंडियन को देखा है जो स्पोर्ट्स में है तो वो भी क्रिकेट छोड़ के किसी दूसरे <laughs> स्पोर्ट्स में टेनिस में है और वो भी यहाँ पर कोच है अच्छे से सेटल्ड हैं

तो जब मैंने समझाता हूँ कि मैं कभी किसी कंपनी में ना किसी पोजिशन पर काम कर रहा हूँ मैं कि एक स्पोर्ट्स क्लब में टेनिस कोचिंग कर रहा हूँ तो लोगों को बहुत शौक होता है मतलब उन्हें समझ नहीं आता कि मेरा मेन जॉब है या पार्ट टाइम जॉब है तो ये तो सबसे पहली चीज होगी नंबर टू वर्किंग विद जर्मन पीपल एज एन इंडियन कोच ये एक बहुत ही uh, मतलब यूनिक चीज है बिकॉज इवन जर्मन लोगों को एशियन इंडियन तो छोड़ो एशियन कोच नहीं देखने को मिलते हाँ। क्योंकि अपने बंदे इंडिया चाइना से जो भी आते हैं वो सारे आई टी जॉब घुसे हुए हैं तो उनके लिए भी एक बहुत अच्छा लर्निंग एक्सपीरियंस है कि वो लोग हमारे थ्रू हमारे कल्चर को जानते हैं जो हमारे देश की मतलब कुछ ऐसी यूनिक चीजें हैं जो एक इंडियन से ही मिलके वो पता कर सकते हैं वो उनको पता चलती है तो इट्स अ गुड थिंग फॉर बोथ पार्टीज के हम भी कुछ उनका सीख रहे हैं और कुछ उनकी हमें बात पता चल रही है तो कभी कुछ ऐसा एक्सपीरियंस होता है फील होता है कि

जिस भी क्लब में हम लोगों ने एज अ कोच काम करना शुरू किया है हम लोगों ने पहले उस क्लब में एज अ प्लेयर एंट्री ली थी कि हर क्लब की टीम्स होती है मैंस टीम वीमेंस टीम थर्टी एज के ऊपर जो है फोर्टी के ऊपर तो हम अपनी एज ग्रुप ग्रु, ग्रु के हिसाब से हम लोगों ने सारे मैचेस खेले और मैचेस खेलने के बाद लट से एक दो हफ्ते बाद हमने कोचिंग स्टार्ट करी तो लोगों को ऑलरेडी पता था कि इसका लेवल अच्छा है ये अच्छा खिलाड़ी है तो क्योंकि अच्छा खिलाड़ी है तो जनरली लोगों का एक परसेप्शन ये रहती है कि ये कोच भी अच्छा ही होगा हाँ, वो और कोचिंग लेने के बाद तो फिर उनको पता चली जाता है कि, हाँ कि और सर्टिफिकेट्स और डिग्रीज देखने के बाद के पढ़े अच्छा, लिखे हैं इसके बाद मुझे ये बताना विजय कि क्या मतलब इंडिया से भी कुछ स्टूडेंट्स यहाँ पे ट्रेनिंग के लिए आते हैं क्या और अगर हाँ। आते हैं तो मतलब क्या उनकी प्रोसेस है और उसका उनको क्या फायदा मिलता है राइट तो 2015 में हम लोगों ने एकेडमी स्टार्ट की थी यहाँ पे टेनिस एकेडमी जो एक्सक्लूसिवली हम लोगों ने टारगेट की थी अपने उन स्टूडेंट्स के लिए जो इंडिया में हमारे फ्रेंड्स के साथ और जो हमारे कोलिग्स थे उस टाइम पे जो हमारे साथ प्लेयर्स थे जिन्होंने अब कोचिंग इंडिया में स्टार्ट कर रखी है उनके साथ जो प्लेयर्स थे वो हर साल कहीं ना कहीं यूरोप में ट्रैवल करना चाहते हैं बिकॉज इंडिया में एक तो गर्मी बहुत होती है समर में तो उस गर्मी से बचा जा सकता है हालांकि

ऑलमोस्ट एशिया में हर जगह के तो वो बच्चों को हमारे पास भेजते थे हम उनका वीज़ा लगवाते थे उनको पूरा प्रोसेस समझाते थे कि स्पोर्ट्स वीज़ा किस तरीके से आप लगवा सकते हो और फिर उसके बाद जब वो यहाँ पे आते थे हमारे साथ ट्रेन करते थे उनकी सारी मतलब ऑर्गेनाइजेशन जिस मतलब जिसमें मतलब उनका जिम हुआ फिजियोथेरेपी टोर्नामेंट प्लानिंग सब कुछ हम करते थे तो हर साल समर्स में हम लोग ये प्रोग्राम चलाते थे वो कोरोना आने के बाद से थोड़ा सा वो प्रोग्राम में अभी डिले हो गया बिकॉज एक तो वीज़ा की दिक्कत हो रही थी अब थोड़ा खुलता जा रहा है लेकिन कोरोना के टाइम पे हमें थोड़ा बंद okay. को तो इंटरनेशनल एक्सपोजर हो, चाहिए कईयों को चाहिए होता है कि वो जाके बाहर कम्पीट करें और देखें कि क्या है किस लेवल का स्किल सेट है तो उनको बच्चों को आगे चल के क्या क्या फायदे होते हैं उससे तो मैं इसके बारे में दो चीजें कहना चाहूंगा नंबर वन सबसे बड़ा इम्प्रूवमेंट जो मतलब बच्चे के उस गेम में दिखता है सबसे बड़ी चीज तो वही है कि बच्चे का गेम इंप्रूव हो गया है यहाँ पे खेलने के बाद तो क्योंकि यहाँ पे कंपटीशन हायर है और जो मतलब प्लेइंग लेवल है वो थोड़ा डिफिकल्ट है तो इंडिया जाने के बाद या एशिया जाने के बाद बच्चों का परफॉर्मेंस इंप्रूव होता है टूर्नामेंट्स में परफॉर्मेंस आने लग जाती है नंबर वन और नंबर टू क्योंकि इसके चलते उनकी रैंकिंग इंप्रूव होती है तो उसके बाद उनके पास और रस्ते खुल जाते हैं जिसमें कि हमारे अंडर ट्रेन करे हुए काफी बच्चों को यूएस में कॉलेजेस मिल गए हैं एटी परसेंट नाइनटी परसेंट स्कॉलरशिप पे और कुछ बच्चों की जॉब्स लग गई है इंडिया में सर्विसेज में जिसमें कि मतलब आप इंडियन ऑयल ले लो ओ एन जी सी हुआ रेलवे हुआ, इनकम टैक्स हुआ तो उनकी जॉब्स लगी मैं ये नहीं कहूंगा हर सर्विसेज लगी बट ये वो सर्विसेज हैं जो एज एन एथलीट आपको रिक्रूट करेंगी बेस्ड अपॉन योर गेम बिकॉज इंटर सर्विसेज गेम होते हैं तो दे नीड टू हैव अ क्रिकेट टीम टेनिस टीम वॉलीबॉल टीम तो अगर आप एक एक्सेप्शनल प्लेयर हो तो आपके पास एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है एक ड्रीम जॉब सिक्योर करने की जिसमें ना कि आपको पेंशन मिलेगी रिटायर के बाद बल्कि जब तक आप एक एक्टिव प्लेयर हो आपको एक भी दिन ड्यूटी पे नहीं जाना आप सैलरी ड्रॉ कर सकते हो आप अपना टूर्नामेंट खेल सकते हो जो करना है वो कर सकते हो जिस दिन आप टेनिस बंद करोगे तब आपको जॉब जाना है अपनी को ट्रे, ट्रे, ट्रेनिंग लेनी है और आप अपने जॉब शुरू कर सकते हो और मेरे दोस्त ऐसे हैं जिन्होंने डीएसपी रैंक से भी पुलिस में भर्ती ली है मतलब टेनिस के थ्रू सो पॉसिबिलिटीज आर एंडलेस ऑफ ऑफ कोर्स कोर्स स्पोर्ट्स के बेसिस पे डेफिनेटली और लास्टली इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो देखने वाली है कि अगर आप मान लो सर्विसेज में नहीं गए किसी या फिर आपको कॉलेज नहीं मिला कोई यूएसए का तो एट द एंड ऑफ द डे यू कैन ऑलवेज चूज टू बी अ टेनिस कोच जिसमें कि क्योंकि आपने स्पोर्ट्स से इतने लंबे टाइम तक आप कनेक्टेड रहे हो आपको वर्किंग्स पता है और आप अपने आप को एक एज अ गुड टेनिस कोच एस्टैब्लिश कर सकते हो और एक बहुत इंटरेस्टिंग से सिनेरियो मुझे समझना है कि मेजोरिटी ऑफ जैसे हमने बोला है कि ज्यादातर इंडियंस यहाँ पर आई जॉब्स में इसमें हैं मैं भी जैसे इंजीनियरिंग जॉब में ही हूँ yeah. तो अगर हम लाइफ कंपेयर करें mm -hmm. एक इंजीनियरिंग वाले बंदे की यहाँ पर mm -hmm. और एज ए स्पोर्ट्स पर्सनैलिटी यहाँ पर mm -hmm. तो कितना डिफरेंस है फॉर एग्जाम्पल अगर मैं अपना बताऊँ तो मेरा इतना इंट्रेक्शन नहीं होता लोकल लोगों right. से मुझे ऑफिस में कुछ लोगों से जो गिने चुने मेरे जो टीम के लोग हैं दो चार लोग उनसे मिलना जुलना okay. रहता है डेली mm -hmm. बस वही मेरा इंटरेक्शन है mm -hmm. और उसके अलावा इतना कुछ है नहीं मेरा लोकल लोगों में इतना मतलब मैं डीपली इतने लोगों से इन्वॉल्व नहीं हो पाता right. हूं। तो एज स्पोर्ट्स टेनिस क्लब में यहाँ पर कोच होते हुए कितनी डिफरेंट है लाइफ आई वुड से कि आप मैक्स टू मैक्स अगर आप चाहो तो आप दो महीने तक अपनी जो आपकी लाइफ है जो आप इंडिया से लेके यहाँ आए हो उसको कंटिन्यू रख सकते हो लेकिन उसके बाद आप टली और एक्चुअली अ जर्मन, बिकॉज आप हर टाइम मतलब ऐसा नहीं कि आप भूल जाओगे जो आप पीछे <laughs> करके आए हो yeah. लेकिन आपके जितने भी मैनरिज़म्स हैं जो आपका मतलब mm -hmm. है, जो हर चीज़ है, वो एकदम जर्मन हो जाएगा बिल्कुल बिकॉज mm -hmm. आप हर टाइम जर्मन लोगों के बीच हो आपकी ट्रेनिंग जो आप कर रहे हो तो उसके बाद जो है आप बिल्कुल ऐसा एलियनेटेड फील नहीं करोगे आप यहाँ पे इतने ज्यादा एक, हो जाओगे आपको लगेगा कि मतलब दिस इज जस्ट होम अवे फ्रॉम होम और सबसे बड़ी चीज ये मुझे कुछ ऐसा मिसिंग नहीं लगता है कि मतलब मतलब मेरी खुद की फैमिली के मतलब यहाँ पे लोग रहते हैं फैमिली की तरह तो आई नो हाउ यू गैस आर इन योर डेली लाइफ एंड आई सी माई सेल्फ इन माई डेली लाइफ एंड आई थिंक वॉट यूट इज इंटरेक्शन के बाद जो है अगर आप एक uh, मतलब अपने आप को कर रहे हो हो तो लेवल अलग जाता है जो, जो मैंने एक्सपीरियंस किया है ना विजय को देखते हुए कि हमें यहाँ पे जर्मन सीखनी पड़ती है हमें यहाँ पे चीजें करनी पड़ती हैं विजय के साथ ये चीज़ें होती हैं ऑटोमेटिकली मतलब ये विजय का इतना इंट्रेक्शन है लोगों के साथ लोकल लोगों के साथ और हर तरह के लोग मतलब बच्चे छोटे से मिड एज के लोग सीनियर प्रोफेशनल जो मतलब अच्छे अच्छे लेवल के लोग हैं सभी से और फिर उनसे लोकल लोगों से लोकल लैंग्वेज में इंटरेक्शन तो बहुत सारे कॉन्टेक्ट बनते हैं की बात करूं और स्पोर्ट्स की, तो वो एक बहुत बड़ा अंतर है तो भाई जेनुइन बात ये है कि जो ये पार्टनर है जो ये स्पोर्ट खोले है इन दोनों ने क्लब को पांच हजार पाँच हजार दिए हुए सिर्फ बैनर्स के और विजय इसमें कितने टेनिस कोर्ट है आठ आठ और जितने भी स्पॉन्सर दिख रहे हैं जिनके बैनर्स यहाँ पे लगे हुए हर बैनर ने साइज के हिसाब से पैसे दिए हुए हैं जो मतलब क्लब यूज करता है टीम्स को सपोर्ट करने के लिए ट्रेनिंग्स को सपोर्ट करने के लिए और उन बच्चों की ट्रेनिंग के लिए जो फाइनेंशियली वेल ऑफ नहीं है तो ये सारे स्पॉन्सर्स गया वहाँ भी स्पोर्ट कॉले है कि ये कोई जिम का है ये एंड पार्टनर लोग आई कंपनी चलाते हैं यहाँ पे फिर पीछे वाइस कह रहे हैं स्ट्रिंगिंग कंपनी का स्टाल एंड कंस्ट्रक्शन कंपनी है क्रिएटिव गेस्ट आइल इवेंट मैनेजमेंट है तो मतलब हर तरीके का प्रेजेंस है शानदार और जो जॉब रिलेटेड डिफरेंसेस हैं स्पोर्ट्स रिलेटेड और आईटी रिलेटेड उसमें एक बहुत बड़ा डिफरेंस मुझे ये देखने को मिलता है जो मैंने ऑब्जर्व किया है अपनी फैमिली में और दीपक भाई के प्रोफाइल में भी और बाकी सब लोगों में जो आई जॉब्स कर रहे हैं कि एज अ टेनिस कोच बिकॉज और एज अ स्पोर्ट्स कोच बिकॉज आप सेल्फ एम्प्लॉयड हो देर इज नो रश टू वेकअ अप इन द मॉर्निंग यू आर योर ओन बॉस यू कैन डिसाइड योर वर्किंग आवर्स हाउ मनी आवर्स यूट से कितने बजे तक आपको काम करना है ये सारी आपके कंट्रोल में है। exactly. तो मतलब फिफ्टी आवर वीक करना है तो आप फिफ्टी आवर वीक कर सकते हो अगर आपको वेकेशन पे जाना है तो नेक्स्ट वीक आप अपने सारे स्टूडेंट्स को बोल सकते हो कि भाई एक हफ्ते की छुट्टी है hmm. तुम लोग बस प्रैक्टिस करो मुझे वेकेशन करके आनी है तो आपका स्केड्यूल बहुत ज्यादा फ्लेक्सीबल है और चाहो तो वीकेंड पे काम करो चाहे तो वीकेंड फ्री रखो और जो उतना ही मतलब जो बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है इसी से मुझे एक चीज और विजय जाननी है लोगों को बताने के लिए तो एज 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 ए टेनिस कोच व्हेन यू आर सेल्फ सेल्फ एम्प्लॉयड हियर तो जो गवर्नमेंट बेनिफिट्स हैं वो सेम ही है सेम ही ही है ना है क्योंकि टैक्स रिडक्शन तो सेम ही है क्योंकि अगर आप जो आप सैलरी ड्रा कर रहे हो या जो आप अर्निंग दिखा रहे हो उसके ऊपर जो आप टैक्स पे कर रहे हो वो सोशल सिक्योरिटीज जो एक आई जॉब में डिडक्ट होंगी वो आप अपनी जेब से पे कर रहे हो तो आप खुद समझ सकते हैं कितना बड़ा डिफरेंस है और कितनी मजे नहीं लाइफ है टली अच्छा जो लोग आ, इंडिया से ये वीडियो देख रहे हैं या कुछ बच्चे ऐसे होंगे जिनको स्पोर्ट्स में अपना मतलब और ज्यादा एक्सपोजर चाहिए उनको अपना स्किल आ, चेक करना है कि वो इंटरनेशनल लेवल पर कंपीट कर सकते हैं या नहीं टेनिस में या फिर लेट से फुटबॉल में और वो यहाँ आना चाहते हैं तो उनके लिए विजय कैन यू प्रोवाइड द गाइडेंस अगर वो कॉन्टेक्ट करें विजय से बिल्कुल तो उसके लिए मैं क्या करूंगा विजय का इंस्टाग्राम डिटेल इसमें डिस्क्रिप्शन में डालेंगे आप और आप विजय से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं विजय विल बी द राइट पर्सन टू गाइड यू डेफिनेटली गाइज यू हैव एनी क्वेश्चन अगर आपके पास कोई क्वेरीज है सवाल है या मतलब आप क्लियर नहीं है कि किस तरीके से आपको अपना स्पोर्ट्स करियर आगे प्रोसीड करना है तो जस्ट गेट इन टच विद मी और uh, मैं अपने नॉलेज से और अपने इंफॉर्मेशन के थ्रू जो मेरे दस बारह साल में मैंने यहाँ पे एज अ स्पोर्ट्स ट्रेनर कोच और इवन वीज़ा एक्सपीरियंस जो मतलब हमने बच्चों का वीज़ाज लगवाए

हम विजय से दोबारा कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे और आप लोग तो इंस्टाग्राम के थ्रू विजय को कमेंट कर ही सकते हो ओके सो फ्रेंड्स डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू इंडियन गर्ल इन यूरोप और ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस जानने के लिए देखने के लिए बने रही हमारे साथ